फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सीखो एवरीवन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूं अपने नए पैनल की, जो मैंने लिया है 12 वोल्ट में 190 वाट का पैनल। और दोस्तों, ये जो पैनल है ये 12 वोल्ट में 190 वाट का सबसे बड़ा पैनल आता है। इससे ऊपर जो भी पैनल होंगे वो 24 वोल्टेज में आते हैं। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो इन्वर्टर है वो अभी 12 वोल्टेज का ही है, तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक 12 वोल्टेज का ही पैनल मंगवाते हैं जो कि 190 वाट में है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास ऑलरेडी 250 वाट का सेटअप लगा हुआ है, बट फिर भी मैंने ये पैनल मंगवाया है क्योंकि जिस जगह पर मैं रहता हूँ यहाँ पर लो वोल्टेज और बिजली के कट बहुत ज़्यादा हैं जो अनवियरेबल हैं। इस कंडीशन को देखते हुए मैंने अपने लिए एक सबसे अच्छा और बेस्ट सोलर पैनल मंगवाया हुआ है। और दोस्तों, इस पैनल की जो खासियत है वो ये है कि ये एक मोनोपर्क सोलर पैनल है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पॉली भी होते हैं, मोनो भी होते हैं, और ये है मोनोपर्क। इस पर्क पैनल को मैंने इसलिए मंगवाया है दोस्तों क्योंकि ये जब हमारा मौसम ख़राब होता है, जैसे बादल आ जाते हैं, ये उस कंडीशन में भी आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। इसलिए मैंने इस पैनल को मंगवाया है जो कि लूम सोलर कंपनी से मैंने ये पैनल मंगवाया है, और पर्क टेक्नोलॉजी वाला पैनल है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो क्लाउडी वेदर में भी आपकी बैटरी को अच्छे एम्पीयर से चार्ज करता है। हालांकि दोस्तों, ये पैनल आम पैनल के मुकाबले महंगा होता है, बट फिर भी ये बराबर कर देता है उस गैप को, क्योंकि वो वाले पैनल की जो एम्पेयर रेशो होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही बारिश होगी, बादल आएंगे, वो उनके जो एम्पेयर है वो कम हो जाएंगे, बट इस पैनल के एम्पेयर हैं वो मेंटेन रहते हैं। ये नॉर्मल पैनल से ज़्यादा एम्पेयर जनरेट करता है और आपकी बैटरी को जल्दी चार्ज कर देता है। इस पैनल की ये खासियत है। दोस्तों, बड़ी बात ये है कि इस पैनल पर हमें 25 साल की कंपनी वारंटी देती है। ये देखिए, यहाँ पर वारंटी कार्ड भी है मेरे पास। 25 साल तक ये पैनल आपको फ्री में बिजली दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं इस पैनल की बैक साइड, और आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टैंड भी है। इसकी मैं आपको बाद में डिटेल देता हूँ कि कैसे मैंने ये बनवाया है। पहले आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। पैनल की हाइट की बात करूँ तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 5 फीट के करीब है, और इसकी जो विड्थ है तो ये 27 इंचज़ है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पैनल की एक क्लोज लुक दिखाता हूँ। पैनल के टॉप पर आपको दिख जाएगा एक बार कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है LS जो मॉडल है। सेंटर में इसके कुछ कनेक्शन आपको दिखेंगे और साथ में लूम सोलर की ब्रांडिंग। इस पैनल की जो सेल्स हैं वो हैं ब्लैक कलर में, और इसमें 36 सेल होते हैं। दोस्तों, हर एक सेल 0.7 वोल्ट का करंट जनरेट करता है, जिससे कि ऑलमोस्ट 25 के करीब ये वोल्टेज बनाता है। और फ्रेंड्स, इस पैनल में आपको रस्ट प्रूफ इसकी बॉडी मिलती है। जो इसका फ्रेम लगा हुआ साइड पे, ये रस्ट प्रूफ है, जैसे कि ये एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ एक हाई क्वालिटी मटेरियल का फ्रेम है, जिससे कभी रस्ट नहीं पकड़ता। फ्रेंड्स, ये जो पैनल है इस पर टफन ग्लास की लेयर लगी होती है जो कि इजली ब्रेक नहीं होता। चाहे इस पर कोई पत्थर मार दे छोटा मोटा, या कोई बैट भी अगर बचा जाता है तो भी ये टूटता नहीं है। अगर ये गिर भी जाता नीचे तो भी ये टूटने वाला नहीं है। जब तक आप इस पर कोई हार्ड चीज़ से हिट ना करो तब तक ये पैनल नहीं टूटता। तो इस पैनल की यही खासियत है क्योंकि इसमें टफन ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं पैनल की बैक साइड, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जंक्शन बॉक्स। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस बॉक्स को बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। यहीं से हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर निकलती है सोलर की, और सोलर पैनल की जो वायरें हमें मिलती हैं ये हमें 4 square mm में वायर मिलती है, जो कि 1 meter लॉन्ग होती है। और अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स, इसमें आपको MC4 कनेक्टर मिल जाते हैं। तो MC4 कनेक्टर आपके पैनल की जो एफिशिएंसी हो बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्शन लूज़ नहीं होता, जिससे कि आपके जो इन्वर्टर को प्रॉपर एम्पेयर मिले और वो आपकी बैटरी को चार्ज करता रहे। और फ्रेंड्स, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि लूम सोलर का यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पैनल कितना है, 190 वाट का पैनल है। इसकी जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो है 20। जब इस पैनल को आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये 20 वोल्टेज तक निकाल सकता है। ये 12 वोल्टेज का पैनल है, बट जब इस पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता ये 22-23 वोल्टेज देता है, और इस पर जब आप इन्वर्टर कनेक्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम ये निकाल सकता है 20 वोल्टेज। और मैक्सिमम पावर करंट है इसका 9.50 एम्पेयर, और शॉर्ट सर्किट करंट है फ्रेंड्स ये 9.80 एम्पेयर। और इस पैनल की जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, जिसे BOC बोलते हैं, वो है 25, और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है 1000 वोल्टेज। ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। और उसके नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टार्टअप इंडिया ISO सर्टिफाइड ये कंपनी है, और नीचे इसकी ब्रांडिंग हुई है लूम सोलर, इंडिया की जानी मानी कंपनी है। दोस्तों, ये तो थी मेरे पैनल की डिटेल।
इसकी वोल्टेज और एम्पेयर भी आपको चेक करवा कर दे सकता है, बट मैं अभी करूँगा नहीं क्योंकि मैं इसको जल्दी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाला हूँ। फिर आपको इसके कनेक्शन भी दिखाऊंगा कि कैसे इसके मैं कनेक्शन करूँगा, कितनी ये वोल्टेज और एम्पेयर निकालता है। दोस्तों मैं आपको अपने स्टैंड की डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये स्टैंड बनवाया है। हालांकि आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट मैंने इसे अपने लोकल वेल्डर से मंगवाया है। ठीक है, तो दिखाता हूँ गाइस, ये है हमारा स्टैंड जो मैंने खुद डिज़ाइन करवाया हुआ है एक लोकल वेल्डर से। 1.5 इंची का इसे हमने एंगल लगवाया हुआ है और इस पैनल को जो मैंने हाइट दी है वो 35 डिग्री के हिसाब से मैंने दी है। 30 से 35 डिग्री एंगल के हिसाब से आपको रखना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये डिटेल शेयर करूँगा, अभी के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा स्टैंड और पैनल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं कि सोलर पैनल के कनेक्शन आप खुद कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप सोलर पैनल के कनेक्शन सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए